नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 फरवरी। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा नरसंहार पे उतारू है रशिया, परमाणु बम फेंकने की कर रहा है तैयारी। दूसरी बड़ी अपडेट, रूस खिलाफ यूक्रेन के गोरिल्ला वार की तैयारी, क्यों में हथियार बंद हुए आम लोगों को बांटा गया है हथियार, सड़कों पर हथियार ले उतरे लोग, कहा किसी भी कीमत पर यूक्रेन की करेंगे रक्षा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पलायन के बीच वापसी की हुई है, 2 लाख ने छोड़ा यूक्रेन, रूस से लड़ने को विदेशों से भी भारी पैमाने पर लौट रहे हैं युवा। तो ये एक तरीके से युवाओं में रूस खिलाफ गुस्सा, वही यूक्रेन से भारतीयों को सरकार के खर्चे पर लाएंगे वापस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है बड़ा ऐलान। एक एक करके बताएंगे, जहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। इस बीच क्यू से खारगिव तक रूस का दबदबा, यूक्रेन के नागरिकों को भी उठाया हथियारबंद, युद्ध के 10 बड़े अपडेट। तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, अब नरसंहार पर उतारू है रशिया, परमाणु बम की कर रहा है तैयारी, परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है ब्रिटेन सांसद ने भी जताया। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब रूस नरसंहार पर उतारू हो चुका है, उन्होंने रूस खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने की भी जानकारी दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ ही अपील की गई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को मतदान की शक्ति से वंचित किया जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी कार्रवाई को आतंकी बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस की ओर से जारी और भी अधिक बमबारी की जा रही है, और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके ये बातें कही हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारी ज़मीन पर ये मंगल आया है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से आपको बता दें, इस बीच ब्रिटेन के सांसद ने चेताया है कि रशिया जो है एक तरीके से परमाणु युद्ध जो है परमाणु हथियारों से भी हमला कर सकता है। ब्रिटिश सांसद ने चेताया और पुलिस के प्लान्स जो है दुनिया दहशत में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करने की बात कही और ब्रिटेन के एक सांसद ने चेतावनी दी है। दरअसल कॉमन्स डिफेंस सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष टोबियास एलविड ने ब्रिटिश सरकार से यूक्रेन में पुतिन के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ब्लॉक करने के लिए रूस पर हो रहे हर रोज प्रतिबंध लगाने शुरू की मांग की है और अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश देने की बात कही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़े संकेत। हम चलते हैं एक और अपडेट, रूस खिलाफ यूक्रेन की गोरिल्ला वार की तैयारी, क्यों में हथियार बंद हुए हम लोग, सेना समेत वहाँ के लोगों को बांटे गए हैं हथियार उठाकर लोग सड़कों पे। दोस्तों आपको बता दें, यूक्रेन की जनता रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठा चुकी है। यहाँ के लोगों का कहना है उनके शहर अगर रूसी सेना के पास चला गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे, भले ही यूक्रेन की आर्मी उनकी रक्षा के लिए तैनात है, इसके बावजूद अगर खतरा बढ़ा तो शहर में हर घर की खिड़की से फायरिंग होगी। लिहाजा अब ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन में गोरिल्ला वार की तैयारी हो चुकी है, यहाँ रूसी सेना घुस चुकी है और उसका जवाब देने के लिए लोगों ने कमर कसना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के लोगों का कहना है कि रूस की सेना कीव और खारकीव में घुस चुकी है, रूस के टैंक शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पलायन के बीच 2 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, लेकिन रूस में लड़ने के लिए विदेशों से भी वापस लौट रहे हैं और युवा हाथों में हथियार उठा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट, यूक्रेन से भारतीयों को सरकार के खर्चे पर लाएंगे वापस, उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर फैसला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है, रविवार तड़के एयर इंडिया की एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में 250
भारतीय नागरिक सवार थे। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट बुखारेस्ट से यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंची थी। बताया जा रहा है कि बुखारेस्ट से दो फ्लाइट भारतीय नागरिकों को लेकर आएगी और एक फ्लाइट देर रात रही, जबकि दूसरी फ्लाइट कल शाम से ही भारत के लिए रवाना हो रही है। तो एक तरीके से भारतीय नागरिकों को हम चलते हैं और अपडेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, रूस को यूएनएससी से बाहर करना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर, हम चलते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर देना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रविवार को एक वीडियो जारी कर ये बातें कही हुई हैं। जेलेंस्की ने वीडियो से कहा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण नरसंहार के बराबर है और उन्होंने कहा है कि रूस ने बुराई का रास्ता अपनाया है, इसलिए रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर निकाल देना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमलों की एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण की जांच होनी चाहिए। हम चलते हैं, कोई अपडेट लेते हैं। क्यू से खारगिव तक रूस का दबदबा, यूक्रेन के नागरिकों ने बिठाए हथियारी, हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, डूरंड रेखा विवाद। जी हां, तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच छिड़ी जंग, 3 नागरिकों की गई जान, 20 से ज़्यादा घायल। दोस्तों कांधार के स्पिन बोल्डक जिले में डूरंड रेखा पर तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई छिड़ गई है। दोनों सेनाओं के बीच हुई हाथापाई और फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि इस घटना में अब तक 20 नागरिक घायल हो गए थे और 3 की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिन बोल्डक में डूरंड लाइन पर तालिबान और पाक सेना के बीच गुरुवार दोपहर से लड़ाई चल रही थी, जिनमें 20 से ज़्यादा नागरिकों के घायल होने की सूचना मिली थी, जबकि 3 की जान चली गई थी। कांधार के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डक गेट पर एक अफगान बच्चे को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की सेना पर गोलियां चला दी थी। और यह घटना गुरुवार दोपहर की है और इस घटना के बाद गेट को यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सूत्रों ने आगे बताया है कि हमले के बाद अलबद्र कोर से सेना के बल घटनास्थल पर पहुंचे और पाकिस्तानी सीमा प्रहरियों को जवाब देने की भी तैयारी की। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तालिबान में ठनठनी हुई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पे यूक्रेन जंग के युद्ध के बीच रूस को लगा तगड़ा झटका, यूट्यूब ने रूसी मीडिया चैनलों को किया ब्लॉक। यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद यूट्यूब ने भी रूस पर बड़ी कार्रवाई की और यूट्यूब ने रूसी सरकार के आरटी सहित कई मीडिया चैनलों के एक वीडियो विभाजन से मिलने वाले पैसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। YouTube द्वारा ये कार्रवाई यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद की गई है। इस समय कई देश रूस से खार खाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी देश इस युद्ध को होने नहीं देना चाहता है। इसलिए अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंधों की घोषणा की है। यूक्रेन में असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए यूट्यूब ने कहा है कि कई रूसी चैनलों के मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पुतिन कि यूक्रेन को जीतने की खतरनाक चाहत, 50,000 रूसी सैनिकों को भी दे सकते हैं बलि, इस तरीके से बनाए हुए हैं मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब तेज होने लगी है। रूस का इरादा जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेकर जंग को अपने पक्ष में करने का है। अभी तक दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई और इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो बेहद ही चौंकाने और डराने वाली है। दरअसल ब्रिटिश खुफिया विभागों के प्रमुखों ने ब्रिटेन के अखबार द मिरर को बताया है कि रूस राजनयिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो अपने 50,000 सैनिकों को गंवाने के लिए भी तैयार है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा कांग्रेस ने किया था अपनों का अपमान, अब मिल रहा है सम्मान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे मुशाविर आज़ाद रविवार को भाजपा में शामिल हो गए और कहा है कि वो जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं। गुलाम नबी आज़ाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुशाविर आज़ाद ने यह भी कहा है कि उनके चाचा का कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपमान किया गया था, जिनमें उन्हें दुख हुआ है और उन्होंने भव्य पुरानी पार्टी के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने
चाचा के साथ भाजपा में शामिल होने की योजना पर चर्चा की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक हिजाब विवाद को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बताया अनावश्यक। कहा, याद रखें हम भारतीय हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा है कि अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म द्वारा निर्देशित होने चाहिए। नायडू ने बेंगलुरु में एक निजी स्कूल में इंडोर स्पोर्ट एरिना के लैटरिनी का उद्घाटन करने के बाद कहा है, कर्नाटक में जारी विवाद की तहत तरह ही अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल में आप सभी की यूनिफॉर्म द्वारा निर्देशित होने के बाद ये बातें कही, तो एक तरीके से हिजाब को लेकर ये उन्हें बड़ा बयान दिया। एक और अपडेट है, स्पीच जितेंद्र त्यागी की रिहाई का संतों ने भरी हुंकार। दिल्ली पहुंचकर जानिए किया बड़ा ऐलान। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी की रिहाई के लिए माँ बंगलामुखी का यज्ञ कर संतों का कारवां हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचकर सभी संत जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई तक महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से आए दिव्यांग योगी ज्ञाननाथ प्रचाबुद्ध स्वामी कृष्णानंद के नेतृत्व में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महामंडलेश्वर साध्वी अन्नापूर्ण भारती स्वामी अमृतानंद यति सत्यदेवानंद स्वामी महाराज ने ये बड़ी बातें कहीं और कहा कि तत्काल उनके लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में ही छोड़ा यूपी का दौरा, यूक्रेन संकट पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दौरे को बीच में ही छोड़ दिया है। दिल्ली पहुंचते ही वो यूक्रेन संकट पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच पिछले चार दिनों से जंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को युद्ध की शुरुआत हुई और इसके बाद से ही रूस की सेना यूक्रेन में लगातार अंदर की ओर बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के 471 सैनिकों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। तो ये पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लोकसभा स्पीकर ने शुरू की हेल्पलाइन। 100 से अधिक छात्रों से किया संपर्क। तो भारतीय दूतावास ने कहा, सिर्फ 15,000 भारतीय बच्चे और बचे हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है। अब तक 15 राज्यों के 100 से अधिक छात्रों ने उनके आवास कार्यालय और उनके संसदीय क्षेत्र कोटा स्थित कार्यालय में शुरू की गई हेल्पलाइन से संपर्क किया है। रूस के आक्रमण के बाद पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 24 घंटे तक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दी है। नई दिल्ली में उनके कार्यालय का नंबर भी जारी कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, भारतीय दूतावास ने भी कहा है कि 15,000 भारतीय बच्चे और ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला जाएगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कही है, भारत ने कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने लोगों की वापसी का अभियान तेज कर दिया है। और इसी बीच रविवार को विदेश सचिव ने ये बातें कही। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, यूक्रेन का नया दावा, सैन्य विफलताओं के बाद रूस ने वार्ता के लिए पूर्व शर्त भी छोड़ी। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर यूक्रेन के दावे के बाद हड़कंप मच गया। यूक्रेन ने कहा है कि सैन्य विफलताओं के बाद भी रूस ने वार्ता के लिए पूर्व की जो शर्तें हैं वो छोड़ी हैं और उन्होंने बातचीत के लिए तैयार हुए, क्योंकि सैन्य जो है वो विफलता हो चुकी है, इसलिए रूस अब वार्ता की टेबल की मेज पे आ गया, यानी बातचीत के लिए तैयारी कर रहा है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट, यूपी चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समझिए कहाँ कहाँ वोट पड़े। यूपी के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान हुए और इस चरण में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अमेठी में डॉक्टर संजय सिंह, प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह समेत 692 कैंडिडेट चुनाव मैदान में। और इस वक्त आपको बता दें, ये मतदान हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शाम तक बात करें तो 12 जिलों में इस बीच लगभग 60% के करीब मतदान हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 10 मार्च के बाद विपक्षी नेता विदेश भागने की फिराक में, करा रहे हैं टिकट की बुकिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाराजगंज से सिसवा विधानसभा क्षेत्र से आयोजित चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी के निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्य में फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार बनाने के रास्ते पर चली है। यह एहसास होते ही सपा सहित अन्य विपक्ष नेताओं ने विदेश भागने की तैयारी कर ली है। कोई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने की फिराक में है तो कोई नेपाल भागने की तैयारी में है।
ये दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा का नारा सबका साथ और सबका विकास है, जबकि सपा का नारा सबका साथ लेकिन सिर्फ सैफई खानदान का विकास बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही, पीएम मोदी ने सारे में साधा निशाना, बोले काशी में जब मेरी मौत की कामना की गई तो मुझे बहुत आनंद आया। दोस्तों, वाराणसी के संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बनारस से आत्मीय रिश्ता जोड़ा और बाबा भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि साथियों, सबसे पहले संगठन के प्रमुखों का धन्यवाद करता हूँ। पीएम ने कहा है कि यहाँ दो बातें मेरे दिल को छू गई हैं, एक इस स्पेशल का इस सम्मेलन का नाम आपने बूथ विजय सम्मेलन रखा, दूसरा मुझे मेरे प्राण प्रिय कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर कुछ लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे मरने की कामना कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते, रूस में फंसे कानपुर के प्रशांत की जुबानी, बोले हाथों में तिरंगा देख रूसी सैनिकों ने सल्यूट किया और बोले आप जाइए, हमें निकाला भी और पूरी तरीके से वो चले भी गए। दोस्तों, आप प्रशांत ने बताया कि गुरुवार रात हॉस्टल के ऊपर से लड़ाकू विमान निकल रहे थे और सायरन बजाते गुजरे तो पूरे हॉस्टल में दहशत का माहौल फैल गया। प्रशासन ने हॉस्टल सभी लाइटें बंद करवा दी। रूसी सैनिक वहां से गुजरे, उन्हें देखकर एक बार तो मैं लगा दहशत में आ गया, लेकिन सैनिकों ने हमारे हाथों में तिरंगा देखकर मैं सल्यूट कर आगे बढ़ गया, जिससे काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल की अपडेट।